है दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। कि जो कल डोरमेट बनाई थी ना, इसमें देखिए थोड़ा सा रह गया था, बस थोड़ा ही सा रह गया था इसमें। तो बस ये जो साड़ी ना, जिसमें से मैं एक पट्टी और निकालूंगी 7 इंच की, तो ये दूसरा कलर है। ये देखिए इस तरह से मैं निकालूंगी 7 इंच की पट्टी। देखिए कलर अलग हो जाए, लेकिन चुनरी मॉडल है ना, तो इसके साथ अच्छा लगेगा। ये पूरी पूरी एक साड़ी थी, एक साड़ी इसमें पूरा लग गया था। यहाँ पे देखिए जैसे कल मैं जोड़ी थी ना पट्टी डबल करके, तो इसी तरह से मैं पट्टी को पूरा जोड़ के फिर इसमें भी पूरा दे दूंगी चुन्नट। और चुन्नट देने के बाद ना फिर उसके बाद में फिर मैं जो है डोरमेट उसमें पूरे से मैं लगा दूंगी। सील रही थी ना, तो इसी समय इसका धागा खत्म हो गया था बॉबिन का, तो बस वही धागा होगा भर के, तो फिर से मैं सुई में धागा डाल दी थी, तो वही सब हो रहा था। और यहाँ पे देखिए आगे वाले कमरा में ना एक चिड़िया सुबह से ही आ गई थी, तो प्रिंसी मेरे से 2-3 बार कही कि मम्मी चिड़िया आ गई है, लेकिन अब धीरे धीरे दोपहर हो रही थी, फिर पंखा चालू करना था, और चिड़िया बार बार यहाँ से वहाँ कही था, अगर पंखा चालू होता तो शायद उसे चोट आ जाती या फिर कट जाती नहीं, इसी वजह से मैं पंखा नहीं चालू किया। तो गर्मी बहुत लग रही थी, प्रिंसी कही मम्मी चिड़िया बाहर निकालो, निकल ही नहीं रही थी, पता नहीं कैसे रास्ता भूल गया किस वजह से, जो कि गेट सुबह से ही खोल के रखा है कि अब निकल जाए अब निकल जाए, लेकिन ये देखो निकल ही नहीं रही थी, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, बस ये कर रही थी चिड़िया। तो बहुत मैं कोशिश कर रही थी इसे निकालने के लिए, फिर भी ये नहीं निकल रही थी। उसके बाद फिर मैं ना झाड़ू लेके आई, बड़ी वाली जो सीख वाली झाड़ू होती है, तो उसे ले आई, मैं उसे इस तरफ आने ही नहीं दे, कहीं अगर ऐसे करते रहूँगा तो, इसलिए गेट देखिए पूरा खोल दी थी। अब बहुत देर तक यहाँ से वहाँ करने पर तब जाके चिड़िया निकली थी, और मैं डर रही थी कहीं उसे लग ना जाए, लेकिन फिर क्या करूँ, अगर बाहर ना निकलती, अगर पंखा चालू होता तो कट जाती या चोट आ जाता उसे, बस इसी तरह से मैं करते रही ना, तो फिर वो निकल गई थी। और गेट इतना बड़ा जो कि गेट है, लेकिन वो नहीं देख पा रही थी। यहाँ पे देखिए चिड़िया निकल गई, तो फिर से मैं आ गई थी सिलने के लिए, तो प्रिंसी को गर्मी लग रही थी, तो सब अपना पंखा चालू कर ली थी। यहाँ पे देखिए मैं इसे पूरा सिल ले रही हूँ। Thank you.
झालर वाली जो पट्टी थी पूरी तैयार हो गई थी, तो यहाँ पे मैं इसमें जोड़ लूंगी और जोड़ने के बाद ना फिर इसमें पूरा झालर इसमें लगा दूंगी। ऐसे उल्टा सीधा मैं देख ली थी कि जो सिलाई वाला हिस्सा था उसे मुझे नीचे की तरफ करना था, बाकी जो प्लेन वाला हिस्सा था ना उसे ऊपर की तरफ करना था। तो उसे देखने के बाद मैं इसे देखिए इसे पूरा जोड़ के तो फिर इसमें पूरा मैं लगाऊंगी। इसको अच्छे से जोड़ ले रही थी और इतना ज्यादा बड़ा हो गया था ना, जल्दी इस पर मशीन नहीं चल रही थी, तो मशीन का जो कपड़ा खींचने वाला काटा होता है ना वो थोड़ा धीरे खींचते, इसलिए थोड़ा सा मुझे हाथ से खींचना पड़ा था, या वे बड़ा था इस वजह से नहीं खींच पा रहा था, क्योंकि जगह जगह थोड़ा मतलब मुड़ा मुड़ा लग रहा था इस वजह से नहीं खींच पा रहा था। और इतना फ्लफी बना था ना, बहुत अच्छा लगा। और जो पीच कलर का कलर, पीच कलर के साथ ही रेड कलर का कलर ना बहुत ज्यादा इस पर खिल रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के फूल, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ्लफी था। इसे चाहे तो आप पूजा मतलब ऐसे कोई पूजा वूजा करता रहे इस पर बैठ के, आसन अगर इसका लगा के पूजा वूजा करें, क्योंकि साड़ी तो साफ थी, साड़ी हाँ पुरानी बहुत थी साड़ी, लेकिन इसे कोई पहना नहीं था। मम्मी से ऐसे पर्दा बना दी थी टाड़ का, तो मम्मी से मैं कही कि इसका बहुत अच्छा लगेगा डोरमेट, तो मम्मी कही कि बना दो डोरमेट अगर इसका अच्छा लगेगा, तो बस मैं कही दो अच्छा बना देती हूँ। देखिए हो गया था पूरा, बस लास्ट की एक थोड़ा सा रह गया था टाका मारना, तो इसे टाका मार के तो फिर मैं इसे निकाल लूंगी। और ना लास्ट का एकदम लास्ट मोमेंट पे आके ना पता है कि उसकी सिलाई नहीं आ रही थी, तो उसके बाद फिर मैं नीचे से बॉबिन सेट करी, तो उसके बाद फिर सिलाई आने लगी थी। देखिए निकल नहीं रहा था, और ये देखिए कितना प्यारा लगा, ये देखिए बहुत ही मतलब बहुत प्यारा लग रहा था ये। और इस पर पैर रखो ना तो ऐसा लग रहा था कि हाँ जैसे किसी मखमल के कपड़ा पे पैर रख रहे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। तो यहाँ पे पीछे जो साड़ी मैं काटी थी ना रेड वाली, तो उसी का कपड़ा मैं इसमें सोची थी डबल लगाने, लेकिन पता नहीं वो कपड़ा मम्मी कहाँ रख दी कि मिल ही नहीं रहा था। मम्मी सो गई थी कहीं जाने तो ना सोने, तो फिर बाद में से फिर एक दो दिन बाद मैं मशीन खोलूँगी तो यहाँ पर फिर से मैं लगा लूँगी। और जब मैं अंदर से बाहर आए तो ये देखिए वो कपड़ा का क्या हो रहा था, यहाँ पर एक जनी डाल ली थी उसका झूला, ये कपड़ा मैं अंदर ढूंढ रही थी। इस साड़ी का तुम झूला डाल ली, हाँ तुम्हें ये साड़ी मिली थी, इसका भी हम और कुछ बनाते ना, हाँ तुम्हें ये साड़ी मिली थी झूला डालने के लिए, देखो कि फट जाएगी, जाने तोड़ जाओ फट जाएगी प्रिंसी, गिर जाओगी चोट लग जाएगी, नहीं फटेगी देखो। और यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे दो दिन से टूट रहा है आम, तो मम्मी बस सबको ही आम उम दे रही थी, जिसके वजह से समझ में आया तो उनको अपना थोड़ा थोड़ा सबको दे देती आम, क्योंकि हमारे से आम उम टूटता है गांव में तो थोड़ा बहुत ही होता है कि चलो अगल बगल सबको दे दो। तो एक चाची थी मतलब कोहाइन चाची थी ना, तो उन्हें मम्मी आम उम दे रही थी, तो उन्हें प्यास लग गई थी, तो कहीं अगर फ्रिज में पानी हो तो एक बॉटल ठंडा पानी दे दो, तो बस उन्हीं को पानी पिलाने लगी थी, फिर ऐसे उनसे बातचीत होने लगी थी वो मतलब ऐसी सब। तो बस मैं उनसे कर ऐसे मतलब अपना सब जो इंसान मिलते उलते हैं ना तो किसी से बात करने लगे, बस वही हमारी सबकी बात होने लगी थी।
तो मेरी मम्मी कही थी कि कल आना, दिन में थोड़ा सा मोहर छिलवा देना। तो चाची कही चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी कल। तो मैं कही थी हाँ चाची आ जाओगे तो हम तीनों जन मिलके जल्दी से छील लेंगे मोहर। तो यहाँ पे मम्मी से मैं आप कह रही थी कि मम्मी थोड़ा सा आम इसमें से पकने के लिए रख देना, क्योंकि सिवान प्रिंसी बहुत पका हुआ आम खाते हैं ना। और जो घर का आम होता है, जो खेत का आम हो, अरे खेत करी, जो घर के पेड़ का आम होता है ना, उसका आम बाजार के आम के पीछे वाला आम बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा। तो बस मम्मी यही सबको दे हो रही थी, फिर बाकी जो बचेगा तो हम लोग पकने के लिए रख देंगे आम। आज देखिए मैं आपको अपने यहाँ का दिखा रही हूँ, मतलब जो बाहर का, बस घर और तो नहीं दिखा रही, बस बाहर का दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए पापा जो सब गाय नहा दो लगा के, मतलब गाय को नहा दे लगा के पापा यहाँ पे लेटे हैं खटिया पे, ये देखिए। और तीनों गाय खा रही हैं अपना। यहाँ पे देखिए प्रिंसी का झूला पड़ा है, वो अपना झूलने में ही मस्त है। यहाँ पर ये पेड़ ना कनेले का फूल जो होता है ना, उसका पेड़ है, तो उसी पे अपना झूला डाली। और ये सामने हम लोग का नया घर बना है, अभी प्लस्तर व्लस्तर कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऊपर से इसकी ढलैया वलैया सब हो गई है। तो वहाँ पे पापा रहते हैं, गाय जैसे बरसात वरसात होती है ना, तो गाय वहाँ ही बांध। अरे हम लोग का घर है जिसमें हम लोग रहते हैं मम्मी लोग। घर काफ़ी पुराना, मतलब घर बने मेरे ख्याल से कम 40-45 साल हो गया है इस घर को बने, इसलिए थोड़ा पुराने मॉडल का है, लेकिन हाँ घर अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए चापक का लगा, यहाँ पे समर सेबुल भी लगा, तो इसी से पानी अंदर जाता है। ये जो दोनों पेड़ है ना, तो कटहर का पेड़ है, ये देखिए इसमें कितना कटहर लगा है, आप लोगों को दिखाई देता होगा शायद, ये देखिए। और उस सामने जो है ना पूरे आम की बारी है, ये देखिए इस कोने में जो सामने पूरा दिखाई दे रहा है ना, पूरा आम की हम लोग की बारी, मतलब हम जितने लोग सब लोग का मिला मिलजुल के ये सब बारी है आम की, ये देखिए। देखिए बच्चे लोग भी है जो थोड़ा बहुत आम पका हुआ है ना, सब तोड़ रहे हैं। अरे देखिए एक जनी को मिल गया, इनका झूला झूलना ही नहीं वो हो रहा है। अरे साड़ी रखी थी मैं किस काम के लिए, ले आती किसी काम के लिए। और यहाँ पे देखिए मम्मी गई मारेगी तो नहीं पापा। और दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी मारेगी तो नहीं ना, चैनल को लाइक करना, अच्छा करना, शेयर करना। आप सबसे फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगी, क्योंकि अब आज का वीडियो बस मैं यहीं पे एंड करूंगी। चलिए अब रखती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।